वेलकम टू नोया सिटी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नोया सिटी सेलिब्रेट कर रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस डे वीक, और आज इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं रुड़की के सीनियर आर्किटेक्ट मिस्टर संजय पाल। तो आज हम जानते हैं कि एक आर्किटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का भविष्य कैसा होना चाहिए, आखिर ये कैसा भारत बिल्ड करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इनका विजन, इनका पर्सपेक्टिव। सो संजय सर, वेलकम। थैंक यू आकांक्षा। जैसे कि नो योर सिटी ने मुझे आज इनवाइट किया अपने स्टूडियो में, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और कहने के लिए दुनिया भर के पॉइंट्स हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी सारी समस्याएं हैं जिनके समाधान भी हैं, परंतु समय की सीमा होते हुए मैं एक या दो पॉइंट्स को पकड़ना चाहूँगा जिसके चलते हम अपने देश का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छा निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि मैं खुद अपने आप की एक IIT रुड़की से 2004 का पास आउट हूँ, तो मेरा फोकस रहेगा कि जो सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, जो सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में एक सब्सिडी देती है वहाँ पर देश के सबसे अच्छे बच्चों को पढ़ने के लिए, तो वो किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं, किस तरीके से सरकार उनसे उनके दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने देश का निर्माण किया जा सकता है। हमारे देश को करीबन आज़ाद हुए 70 साल के आसपास का समय बीत गया, और जैसा कि बोला जाता है कि आज़ादी के साथ में दुनिया भर की चीज़ें भी आती हैं, इसकी एक कॉस्ट होती है जो कि शायद हिंदुस्तान के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने भी दी होगी अपने समय में। हालांकि मैं नहीं जानता कि क्या क्या कितनी कितनी बलिदान हुए होंगे, कितनी कितनी कुर्बानियाँ गई होंगी, परंतु बस इतना जानता हूँ कि हम 1947 में आज़ाद हुए, और उसके बाद में हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री का जो विजन था एक टेक्नोलॉजी की जो नींव रखने का, जी बिल्कुल, वो शायद मेरी जो मेमोरी गवाही देती है उसमें ये है कि शायद 1959 या 61 के आसपास में हमारे देश की पहली भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करी गई। तो जैसा कि मैंने कहा कि शायद सन 1959 या 61 के आसपास हमारे देश के पहले प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर की स्थापना की गई, पहले प्रधानमंत्री के द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी और उनके जितने भी एडवाइजर्स होंगे, सबसे पहले सलाम करूंगा। उन्होंने इतने बड़े, इतना उच्च विचार के साथ में इस प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करी जो कि आज देश ही नहीं पूरी दुनिया चला रहे हैं। आप नाम लीजिए नवीन जैन जो कि मून एक्सप्रेस के फाउंडर हैं, आप लीजिए फ्लिपकार्ट के फाउंडर जो सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, और इसी तरीके के अनगिनत नाम हैं जो कि ना कि अपना ही देश निर्माण कर रहे हैं बस उसके साथ साथ जो है पूरे विश्व का निर्माण कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर मैं एक जो अपना पॉइंट लाना चाहूँगा वो ये लाना चाहूँगा कि हमारी सरकार जो कि कई दशकों से हमारी जो इंजीनियरिंग एजुकेशन है उसको सब्सिडाइज करे जा रही है, उनका अच्छे से अच्छे गरीब तबके के भी बड़े तबके के भी सभी लोगों को एक इंजीनियरिंग एजुकेशन दे रही है, परंतु उसके अवज में उनसे कुछ नहीं ले पा रही है, उन्हें सफिशेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं जो कि देश निर्माण के लिए कारगर साबित हो सकें। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ के लोग इंजीनियरिंग IITs के पढ़े हुए, NITs के पढ़े हुए, बड़े बड़े ISC बैंगलोर जैसे इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए लोग, सबके सब देखता आ रहा हूँ, पता है पिछले 20 साल से देखता आ रहा हूँ, सभी लोग कोई GRE करता है, कोई GMAT करता है और उसके बाद में बाहर निकल कर चले जाते हैं। एज ए इंडियन एक बहुत दुख होता है कि मेरे देश के रिसोर्सेस इतने सारे उसके ऊपर मैं इन्वेस्ट करेगा और वो फिर निकल के चली गई हैं चीज़ें, पर कहीं ना कहीं कमी हमारे में सरकारों में अभी की नहीं पहली भी, अभी तक भी हम सफिशेंट अपॉर्चुनिटीज उन्हें प्रोवाइड कर नहीं पाए हैं। शायद जैसी मेरी समझ है उसमें यह है कि पहले हमारे पास में पैसा नहीं था, पहले हमारे देश के पास में इतने सफिशेंट रिसोर्सेज नहीं थे, इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल कराने की शायद क्षमता नहीं थी, परंतु शायद आज है। जैसा कि मोदी जी बाहर बोलते आए हैं कि भारत एक विश्व गुरु की दर्जा हासिल करने का, विश्व गुरु का एक दर्जा रख सकता है जो कि सबको ज्ञान दे सकता है, सबको एडवाइस कर सकता है, सबको मार्गदर्शन कर सकता है, आज उसी की ज़रूरत है, आज वाकई में उसकी ज़रूरत है। और जैसा कि इतिहास गवाह है कि जिसने भी कंट्री ने एकदम बहुत ऊंचे तरीके से प्रोग्रेस करी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी
के बिना किसी ने प्रोग्रेस नहीं करी है, चाहे वो आप USA की बात करें, चाहे वो आप UK की बात करें, यूरोप की बात करें, साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करें, इवन चाइना, जिससे हमारा रोज़मर्रा में कंपैरिजन किया जाता है कि चाइना ये था, हम ये हैं, चाइना वो होगा, कल हम ये होंगे, उसकी आबादी इतनी होगी, उसका GDP इतना होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके की सभी चीज़ें हमारे सामने चली जाती हैं। परंतु मुद्दे की बात, जैसा मैं आज की डेट में देखता हूँ, आजकल की जनरेशन्स को देखता हूँ, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ में आज की जनरेशन का इंटरेस्ट बहुत कम होता चला जा रहा है। वो इतना ज़्यादा अपने दिमाग पर प्रेशर डालकर उसमें इंटेंस स्टडीज़ के रूप में उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। जो आजकल की जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा ईजी करियर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ में जा रही है। एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए ईजी मनी, ईजी करियर ही सब कुछ बन जाता। परंतु सरकार जो इतने अच्छे इन्वेस्ट कर रही है इंजीनियरिंग एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में जो सब्सिडीज दी जा रही हैं, मैं सरकार से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इन लोगों से कुछ, नॉट ऑन दी लाइन्स ऑफ के जैसे इसराइल में एक नेसेसरी और कंपलसरी कंडीशन है कि जो भी वहाँ पर पैदा होगा वो उनकी आर्मी में सर्व करेगा ही करेगा कुछ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। हमारी आर्मी बहुत बड़ी है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, परंतु हमें एक एजुकेशन वाली आर्मी की ज़रूरत है जो कि देश के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके किसी न किसी फॉर्म में इसे यहाँ से उठाकर वहाँ ले जा सका। आज हमें ज़रूरत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टैलेंट की मेजरली, जिससे कि हम हज़ारों लाखों इन्वेंशंस कर सकें, पेटेंट फाइल कर सकें, और जो एक पूरी संसार में सब लोग तरक्की कर रहे हैं उसमें भी हम एक अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख सकें और पहुंचा सकें। इसी के साथ ही, क्योंकि इश्यूज़ तो एंडलेस हैं पर उसमें मैं और ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, जो मेरी कोर फील्ड है कंस्ट्रक्शंस रियल एस्टेट है, उसमें भी अगर हम टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त इस्तेमाल करें तो शायद हम भारत के दुनिया भर के रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। सो थैंक यू संजय जी, आपने जो इतना अच्छा लाइक विजन आपने अपने सामने रखा है, एंड आपने उसके साथ ही साथ इंडिया की जो कोर प्रॉब्लम्स हैं, की पॉइंट्स हैं, कि टेक्नोलॉजी है हमारे पास रिसोर्सेज हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, बट वो देश छोड़ के चले जाते हैं, वो देश के काम नहीं आ रहे हैं, एंड आपने उसके लिए कुछ अच्छे अच्छे सजेशंस भी हमको दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो दर्शकों, अगर आपको भी संजय जी का आइडिया, इनका विजन जो इंडिया को लेकर है वो अच्छा लगा है, सो प्लीज़ डू शेयर इट, प्लीज़ डू स्प्रेड इट, और ऐसे ही कंटेंट के लिए नो योर सिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।